सोशल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड दैट इज ऑर्गेनाइज इन ए पर्टिकुलर वे। सोसाइटी एक वे में सेट है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो ये सोशल स्ट्रक्चर की वजह से है। सोशल स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड रिलेशनशिप, इंसान और उसके रिलेशनशिप, मतलब किस तरह से वो काम करता है हर जगह, कैसे वो चीज़ों को बांध के रखता है, तो इस तरह से और सोसाइटी ऑर्गेनाइज रहती है। सोशल स्ट्रक्चर इज ए फ्रेमवर्क, किस चीज़ का कंसिस्टिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल, एजुकेशन, रिलीजन, सब चीज़ में आ गई। सोशल प्रैक्टिसेस, रोल्स, स्टेटस, सोशल ग्रुप, ये सारे ही एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी को जो बांध के रखने का काम करते हैं। सोसाइटी हैज़ इट्स ओन स्ट्रक्चर, ये जो सोशल स्ट्रक्चर है सोसाइटी के खुद के स्ट्रक्चर है, खुद के फ्रेमवर्क हैं जिसमें ह्यूमन रिलेटेड है या इंटरकनेक्टेड है दूसरे से। सोशल स्ट्रक्चर रिफर टू रिलेटिवली स्टेबल सोशल यूनिट एंड पैटर्न रिलेशनशिप, दो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हैं, सोशल यूनिट्स हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं, एक पैटर्न रिलेशनस है सबके बीच में। तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है ये सोसाइटी को एक कनेक्शन का काम करते हैं सारे आपस में। सोशल स्ट्रक्चर आर एब्स्ट्रैक्ट, मतलब ऐसा नहीं कि आप उसे देखोगे, देख सकते हो। सोशल स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल नेचर ऑफ सोसाइटी, एवरी यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर हैज़ ए डेफिनेट पोजिशन। सोशल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि सोसाइटी किस तरह से सेट है, ऑर्गेनाइज है, किस तरह से चल रही है, तो उसमें इंसान, ह्यूमन और उसके रिलेशनशिप मैटर करते हैं, क्योंकि वही सारे सोशल यूनिट को कनेक्ट करते हैं और सारी सोशल यूनिट मिलकर बनाती है सोशल स्ट्रक्चर।